Rano. Pakistan hasil karne ke liye humne bahut qurbani di hai, magar hame Pakistan ko qaim rakhne ke liye abhi aur qurbani karna hoga. ये आपके नाम पाकिस्तान की तरफ से खाते हैं। ये आपके नाम पाकिस्तान की तरफ से खाते हैं। ये आपके नाम पाकिस्तान की तरफ से खाते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, शायद आप मुझे पहचानते नहीं मगर मैं आपको जानता हूँ बहुत करीब से। कई बार कई जगहों पर हम मिल चुके हैं और हर मुलाकात एक याद बनती गई। याद करें जब एक इंसान ने कूड़ेदान से बाहर कूड़ा फेंका था, तब आपने ही तो उस कूड़े को उठाकर कूड़ेदान में डाला था, तब मुझे बड़ा फख्र हुआ था। जब आप ही के बाजार में एक इंसान खाने के रैपर फेंक रहा था, तब आगे होकर आपने ही तो वो बाजार साफ किया था। याद करें जब किसी और ने आपके सामने कूड़ा रोड पर फेंका था, तब आपने ही उस कूड़े को रोड से उठाया था, तब मुझे आप पर बड़ा फख्र हुआ था। फिर मैंने सोचा कि आज का नौजवान मेरी कितनी कदर करता है, आपके बहुत एहसान है मुझ पर, वरना ऐसी छोटी छोटी बातें कौन सोचता है। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका मुझे इतनी इज्जत देने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका मुझे इतनी अहमियत देने के लिए। आपका अपना पाक साफ पाकिस्तान। और आज मेरा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पैगाम तो नहीं बल्कि रिक्वेस्ट है सारे पाकिस्तानियों से कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है ये एक बहुत सीरियस इनिशिएटिव है, क्योंकि हम सारे हमें बड़ा शौक है पाकिस्तान के अंदर हम जाते हैं जो ग्रीन एरियाज हैं, हिली एरियाज हैं, हमारे ऐसे स्पॉट्स हैं जो अल्लाह ताला ने जिनको ऐसी खूबसूरती बख्शी है जो कि पूरी दुनिया में हम ऐसी खूबसूरती नहीं देखते, हम बड़े फखर से लोगों को बताते हैं कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। लेकिन ट्रेजेडी की बात यह है कि हम ही लोग जब इन जगहों पर जाते हैं जो हमारी खूबसूरत जगह हैं, तो हम ही लोग उसके अंदर गंद मचाते हैं, लिटरिंग करते हैं। और मुझे ज़ाती तौर पे बहुत दुख होता है कि जब मैं एक बड़ी गाड़ी देखता हूँ जिसमें अपेरेंटली ऐसे लोग देखता हूँ जो पढ़े लिखे लगते हैं, लेकिन जब उस गाड़ी में से शॉपर फेंका जाता है
نتھیا گلی جیسے خوبصورت علاقے میں یا سوات جیسے خوبصورت علاقے میں یا ہنزا جیسے خوبصورت علاقے میں تو دل جو ہے اندر سے بہت دکھتا ہے. تو یہ انیشیٹو سیریسلی لیجیے. اینٹی لٹرنگ کیمپین جو لانچ کی گئی ہے پورے پاکستان کے اندر, اس کو ایک سورس آف اویئرنیس بنائیں تاکہ ہمارے لوگوں کو یہ اس بات کا اندازہ ہو کہ وہ جب ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں تو اس کو ڈیمیج نہ کریں, اس کو نقصان نہ پہنچائیں. کیونکہ یاد رکھیے, آپ ایک شاپر بار پھینکتے ہیں یا آپ ایک کھانے پینے کی چیز کے بعد لٹر کرتے ہیں بار, آپ ایک دفعہ کرتے ہیں, لیکن وہ جتنا نقصان پہنچاتا ہے اس علاقے کو وہ شاید آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور بائی دا وے یہ اسلام کے اندر بھی اس کو ایک بہت بڑا گناہ تصور کیا جاتا ہے. تو پاکستان کو اون کریں, اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ تبدیلی باہر آنی چاہیے تو باہر سے اٹھ پائے گی جب تبدیلی آپ اپنے اندر لے کے آئیں گے. تو اس کیمپین کا حصہ بنیں. اگر آپ تک یہ میسج پہنچ رہا ہے تو اپنے باقی جاننے والوں تک یہ میسج پہنچائیں تاکہ جب آپ ایسی جگہوں پہ جائیں تو اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے جائیں اور ایک صاف پاکستان کی طرف ہم بڑھیں انشاءاللہ.